अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। वेलकम टू आर्ट क्लास। क्लास फोर्थ एंड फिफ्थ, जैसा कि मैंने लास्ट टाइम बोला था आप लोगों से लास्ट क्लास में कि हमारा नया टॉपिक होगा, तो कुछ भी हो सकता था। तो आज जो हमने न्यू टॉपिक लिया है वो हमारा है वाटरफॉल सीन। मींस ये आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक लैंडस्केप है और हम एक सीनरी ड्रॉ करने वाले हैं। और उस सीनरी में, सीनरी पता है ना, सीनरी का मतलब ही होता है कोई भी सीन, सनसेट सीन हो या फिर आपका सनराइज सीन हो, कोई भी नेचर का सीन। तो आज जो हमने नेचर का जो सीन लिया है वो है वाटरफॉल, और इसका ये पार्ट वन है, तो जिसमें हम सिर्फ स्केचिंग करेंगे और नेक्स्ट टाइम हम कलरिंग करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्लास आपको करना क्या है, सबसे पहले हम इसमें मार्जिन ड्रॉ कर लेते हैं। आई होप आप सब ने मार्जिन ड्रॉ करके रखी होगी, जिन लोगों ने नहीं की है वो कर लीजिए, क्योंकि जब बड़े हो जाते हैं, बड़े क्लासेस में आ जाते हैं, तब तो आप टीचर्स की सुनते ही नहीं हैं। मार्जिन बोल बोल के रखिए कि हाँ आपने सारे कॉपीज के पेजेस से मार्जिन ड्रॉ कर लीजिए, लेकिन आपको करना नहीं है। तो जिन लोग ने कर रखी है तो बहुत अच्छी बात है, वो टीचर्स की सुनते हैं, और जो नहीं सुनते हैं वो अभी कर रहे होंगे। सो क्लास हमने सबसे पहले इसमें मार्जिन ड्रॉ कर रखी है। अब हम इसमें एक और बॉक्स ड्रॉ करेंगे, इस मार्जिन के अंदर भी हम एक बॉक्स ड्रॉ करने वाले हैं। तो उसकी जो लेंथ है, अब मार्जिन से देख लीजिए कि कोई भी आपका बहुत ज़्यादा स्मॉल नहीं होना चाहिए। ऊपर से 1 सेंटीमीटर की स्पेस छोड़ दीजिए और नीचे से 1 सेंटीमीटर की स्पेस छोड़ दीजिए। सेम इसमें अब इसे पूरा कंप्लीट ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरह से हमें एक रेक्टेंगल बॉक्स ड्रॉ करना है। जो हमारा ये रेक्टेंगल बॉक्स ड्रॉ हो जाएगा, तो जो भी हमारा लैंडस्केप है, जो हमारा सीन है वाटरफॉल सीन, वो इस रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर ड्रॉ करना है हमें। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, आई होप आप सब ने इतना कर रखा होगा, जिन लोगों ने कर लिया है तो अब मेरे साथ स्टार्ट करिए। नेक्स्ट, अब हम यहाँ पे एक सेंटर लाइन ना ड्रॉ करके सेंटर से थोड़ा नीचे स्पेस देते हुए, डिस्टेंस छोड़ते हुए, हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। सॉरी, स्ट्रेट नहीं है, थोड़ा सा स्लैंट है ये, और आपको यहाँ पे स्केल नहीं यूज़ करनी है। ध्यान रखिएगा, लैंडस्केप या भी जो भी सीनरी होती है तो उसमें हम स्केल का यूज़ नहीं करते, क्योंकि बिल्कुल रफ स्केच होता है ये, और क्योंकि नेचुरल है, नेचुरल चीज़ें आपकी बिल्कुल परफेक्ट बिल्कुल शेप में तो नहीं होती ना। तो जैसे ट्री वगैरह है, वाटरफॉल है, या फिर माउंटेंस वगैरह है, वो आपके स्केल से तो ड्रॉ नहीं होते हैं ना, थोड़े से कर्व होते हैं, नीचे ऊपर होते हैं, तो हमें वैसे ही सेम करना है। तो हमें यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हुए थोड़ी थोड़ी सी स्पेस छोड़ देनी है। नेक्स्ट, सेम हम फिर से एक स्लैंट लाइन ड्रॉ करने वाले हैं। आप देख सकते हो इस तरह से हम स्लैंट लाइन ड्रॉ करेंगे इस साइड पे, और थोड़ी सी स्लैंट लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। ये जितनी भी हम प्लेन लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ये सारी लाइंस हमारी बाद में इरेज हो जाएंगी, सिर्फ आपको एक आइडिया देने के लिए हम ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे ये है लैंड का पार्ट, तो इसे भी आपको थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड से लेते हुए राइट हैंड साइड जाना है। अब हमें करना क्या है, जब आपका इतना ड्रॉ हो जाएगा तो अब हम इसमें माउंटेन्स ड्रॉ करेंगे, मीन्स स्टोन्स ड्रॉ करने वाले हैं, बिग स्टोन। तो उसे करने के लिए करना क्या है, तो जो फर्स्ट स्लैंट लाइन थी उसी से, उसी को ट्रेस करते हुए हम नीचे एक बड़ा सा स्टोन बना रहे हैं। ठीक है, ये माउंटेन्स नहीं है, ये वाटरफॉल पे देखे ना, वाटरफॉल स्टोन्स के बीच में जो बहुत सारे स्टोन्स का क्या कहते हैं, एक बड़ा सा हिल टाइप का बना होता है, उसमें होता है, तो हमें वैसे ही लुक देना है। तो फिर नेक्स्ट, सेम थोड़ी सी स्पेस छोड़ते हुए हम
सेकेंड माउंटेन। देखिए उसी लाइन पे हम चल रहे हैं, और प्लस आप ध्यान रखिएगा आपकी जो लाइंस होंगी वो थोड़ी सी लाइट होनी चाहिए। मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पे डार्क पेंसिल यूज़ कर रही हूँ, लेकिन करना आपको लाइट पेंसिल यूज़ है। अब यहाँ से थोड़ा सा हम नीचे आते हुए, अब जो भी हमारी एक्स्ट्रा लाइन बची है उसे हम इरेज कर देंगे। तो हमें अपने जो स्टोन्स हैं, लेग स्टोन्स, उनका कुछ लुक इस तरह से देना है वाटरफॉल में। सेम राइट हैंड साइड भी हम वैसे ही लेंगे, मगर यहाँ पे हमने 1 2 3 4 5 6 6 ड्रॉ किए हैं, यहाँ पे हम सिर्फ 2 ड्रॉ करने वाले हैं, बहुत ही इजी वे में। और जो आपकी लाइन है एक्स्ट्रा वो रेस कर दीजिए। तो अब आपको समझ में आ गया होगा वो स्लैंट लाइन जो हमने ड्रॉ करवाई थी वो क्यों करवाई थी। नेक्स्ट जो हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा, तो अब हम यहीं पे ट्री ड्रॉ करने वाले हैं। तो ट्री हमारा थोड़ा सा बेंड हो जाएगा, चिल्ड्रन आप बड़े हो तो आप मुझे देख के फॉलो कर सकते हो, मुझे आपको एक एक बात नहीं बतानी पड़ चाहिए। मैम को देखिए और मैम ने किस तरह से ड्रॉ किया है, आप उसे ड्रॉ करते जाइए। इस तरह से हमें ये ट्री ड्रॉ करना है एक, और यहाँ पे भी हम ट्री ड्रॉ करेंगे लेकिन सिर्फ स्टेम, और बहुत ही इसकी ब्रांचेस बहुत ही छोटा सा हमारा ट्री होगा, बहुत बिग नहीं। इस तरह से हमें ड्रॉ करना है। नेक्स्ट हमारा जो यहाँ से है ये हमारा वाटरफॉल है, जो लाइन हमने ड्रॉ की थी इसे इरेज कर दीजिए। बाकी ये हमारा वाटर वाला पार्ट है, तो हम इसे वाटर के थ्रू दिखाएंगे। नेक्स्ट अब करना क्या है, इसमें कुछ लाइंस इरेज कर दीजिए इस तरह से। यहाँ पे हमारी ग्रासेस हैं, सेम यहाँ पे भी हम ग्रासेस ड्रॉ करेंगे। तो क्लास ये लैंडस्केप है, तो लैंडस्केप का जो स्केच है वो स्टार्टिंग में ऐसे ही होता है। अभी आप सोच रहे होंगे मैम ने पता नहीं क्या ड्रॉ करवा दिया है, सिंपल लाइन ड्रॉ करवा दी है, तो आपको देखने से अभी ऐसे ही लगेगा, लेकिन जब हम इसकी कलरिंग करेंगे तो कलरिंग के बाद आपको प्रॉपर समझ में आएगा। सो चलें, ये हमारे इस तरह से वाटरफॉल का जो सीन है वो ड्रॉ हो चुका है। बाकी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जैसे कि कुछ लैंड पे हमें फ्लावर्स वगैरह देने के लिए, तो हम यहाँ पे इस तरह से लाइंस ड्रॉ करके आफ्टर कलरिंग लैंडस्केप का जो कलरिंग होगा उसके बाद हम यहाँ पे कुछ फ्लावर्स वगैरह ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपकी कलर्स के साथ। तो आपके पास अगर वाटर कलर है, वाटर कलर मीन्स जो मैंने आपको याद होगा वाटर केक कलर्स, क्योंकि 5th स्टैंडर्ड में वाटर पेंसिल कलर आप लोग यूज़ करते हैं ना, तो पेंसिल वाटर कलर हैं आपके पास तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो वाटर कलर केक्स मैंने आपको दिखाए थे शायद, या शायद नहीं भी दिखाए थे, तो मैं आपको इस बार वाटर कलर केक्स से आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगी कि वो किस तरह से होते हैं। बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, जो नहीं जानते हैं वो देख लीजिएगा। तो उससे भी वाटर कलरिंग बहुत अच्छी से होती है, पेंसिल वाटर कलर से अच्छी होती है। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कलरिंग के लिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।